वेलकम बैक गाइस टू माय अनदर व्लॉग, मोटो व्लॉग में स्वागत है आपका। हेलो हेलो यार, हेलो, क्या हाल है भाई? कल था वेडनेसडे और आज है थर्सडे, और आज हम जा रहे हैं ऑफिस। अबे यार, इन बालों का क्या करूं यार, एक तो आंखों पे आने लग जाते हैं बाल ये। तो सीन क्या है, आज हम जा रहे हैं बुक स्टॉल, जो कि वर्ल्ड बुक फेयर लगा हुआ है प्रगति मैदान में, वहाँ जा रहे हैं आज हम। थोड़ी सी बुक ख़रीदेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा शेड्यूल ठीक करेंगे अपना, हम अपनी लाइफ का, जो कि बहुत ख़राब हो गया है लॉकडाउन की वजह से, ठीक नहीं हो रहा है। मेरी रीडिंग की जो हैबिट थी वो ख़त्म हो गई है, और जब मैं रीडिंग करता हूँ तो मेरा दिमाग भी ठीक रहता है और मेरा काम भी ठीक रहता है। काम एज इन जो मैं आप लोगों को पार्टी कराता हूँ, वही काम, और कहाँ काम क्या कहूँगा। और हमारा ये मोटो ब्लॉग आज इस पे हंटर पे चलेगा। ये भाई राइडिंग जैकेट मुझे लग रहा है वो भाई 80 पहुँच गई यार। ओहो दीदी, थोड़ा साइड होके चला लेते हैं दीदी से, है ना? क्या हाल है अंकल जी, ने इंडिकेटर दिया हुआ लेफ्ट साइड का, पता नहीं कहाँ जाके मोड़ेंगे ये, कहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे, जहाँ पर जा रहे हैं। एक डायलॉग है ना, मियाँ रोड पे देख लो, वरना आप वहाँ चले जाओगे जहाँ आप देख रहे हो, मतलब ऊपर अगर देख रहे हो तो ऊपर चले जाओगे, है ना? हेलो क्लासिक बुलेट, ये बुरा हाल हो रहा है। देखो पंजाबी बाग पे साड़ा, पता नहीं क्या खुदाई हो रही है, और खुदाई के चक्कर में यहाँ पे पिलाई हो रही है ट्रैफिक के अंदर आदमी की। गर्मी में सर्दियाँ थी तो ठीक था, तो गर्मी के अंदर एसी के अंदर भाई क्या ही होगा। चेकआउट कर रहे हैं ना हमारी गाड़ी को, मज़ा आ जाता भाई जब भाई की कोई बाइक देखते ना, ओए फील ही आ जाती है, लगता है पैसे सही जगह लगा दिए। ये एम टी तो यार रोड पर नॉर्मल हो गई हैं, ऑरेंज कलर साले संतरे से। अब ये लगता थोड़ी सी है टांगों के बीच में कुछ है गाड़ी भाई, आप समझ रहे हो भाई, बात ही चला गया। ऊपर से वाइट कलर ऐसा है कि भाई खिलता है रोड पे, अलग प्रेजेंस है, ब्लैक है ना हर चीज़ रोड पे, उस पर थोड़ी सी वाइट है। ओए फील ही आ जाती है भाई, एक मिनट भाई। मेरे राइट में गाड़ी है जो आपको मिरर की वजह से दिख नहीं रही होगी, वो साला घुसाई चला जा रहा है। अरे यहाँ पे हेमा मालिनी रेखा खड़ी होती थी, कहाँ गई? आज नहीं है भाई। है ना, देखते ही हो गए, और क्या, मैं मेरे व्लॉगों के साथ साथ और भी व्लॉग देखते ही हो गए। कुछ लोग जो मोटो व्लॉग देखते हैं तो वो जनरली लोग लेफ्ट में चलाते हैं बाइक, है ना, और मैं ज़्यादातर राइट में चलाता हूँ, क्योंकि मैं गाड़ी ज़्यादा चलाता हूँ, तो जो कार होती है ना उसको राइट साइड में रखता हूँ ज़्यादातर मैं अपनी, और बाइक लोग लेफ्ट राइट में चलाते हैं ज़्यादातर मोस्टली, क्योंकि ईजिली इसे जल्दी निकलती जाती है, है ना? जैसे भी रोड है यहाँ तो मतलब नॉर्मली लेफ्ट में ही राइट में ही चलेंगी, बट और जगह पे लोग जनरली लेफ्ट में चलाते हैं। जैसे देखो लेफ्ट में ज़्यादा भीड़ है, राइट में गाड़ियाँ, है ना, तो मेरे को उसकी बाइक तो मेरे को कार की तरह हैबिट हो गई है, और इसीलिए ना मैं बार बार ट्रैफिक में फंस जाता हूँ राइट साइड जाके, और लेफ्ट में रहता हूँ जल्दी निकलता रहता हूँ। ठीक है, अब जैसे दीदी फ़ोन पर बात करती आ रही है, उसको पता नहीं चल रहा मैं कौन कितने रोड पर चल रही हूँ। ठीक है, अभी हमारी लाइट हो रखी है, हम चल जाएँगे, क्रॉस कर जाएँगे। साला बच गया भाई, अभी उड़ा देता मेरे को पीछे से।
राइट में चल के एकदम शार्प लेफ्ट ले रहा है आगे, लेफ्ट लेने के लिए गंगाराम हॉस्पिटल के लिए। आगे वाली रेड लाइट पर ट्रैफिक होगा थोड़ा सा, एक तो भाई इसकी सर्विस का टाइम भी होने वाला है, ठीक है, और बाइक चली नहीं है बिल्कुल भी, जीरो बाइक है। तो मुझे लग रहा है एक दो दिन ना क्लब बाइक पे जाना पड़ेगा जिससे कि थोड़ी सी चल जाए। पर वही है ना, सेटिंग करनी पड़ेगी बाइक को अंदर ले जाने के लिए, क्योंकि होटल के अंदर तो बाइक चलाऊ नहीं होती ना, फिर वो एक नई सरदर्दी है, तो इसलिए चल नहीं पा रही है ये। मैं गलत ही कल निकल गया घर, कर घर से ना क्लब नहीं जाना था मेरे को, क्योंकि व्लॉग साले हॉर्न बजा रहा है, गाड़ी निकाल नहीं रहा, खाली जगह में हॉर्न बजा रहा है। फाइनली हमारी होगी छुट्टी भाई, यप्पी छुट्टी होगी। कुछ खास थी नहीं, वहीं बुक स्टॉल गए थे और अब जा रहे हैं घर। गाड़ी यार बाइक पे ना थोड़ा सा ये होता है कि आपको थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ता है ट्रैफिक या फिर लेट निकलो, पर लेट निकलने वाली हालत में मैं अभी आजकल हूँ नहीं, क्योंकि भाई की तबीयत रहती है थोड़ी सी ख़राब। ये देखो रश देख रहे हो आप, ये सब भाई छोड़ चुके हैं अपने जेल से, ठीक है, और ये फटाफट फटाफट घर की तरफ भागेंगे और पार्किंगें खाली होंगी, तो इसलिए हम भी थोड़ा सा घर की तरफ जल्दी जल्दी निकलेंगे। और अरे रा 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 रा। यहाँ तो लाइट हो गई है, वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। मजा आ रहा है ना, ये दिक्कत नहीं समझ में आती भाई। ये देखो लाइट हुई नहीं है, स्टॉप कर होने वाली और लोग पहले ही रोड पर आ जाते हैं वो क्रॉस करने के लिए, और ये दिक्कत हो जाती है भाई। ये देखो ये देखो ये देखो ये दिख रहा है, बहुत तेज़ी में लोग यार, बहुत तेज़ी में है। हमारे भैया जो साथ होते हैं वो तो कहते हैं यार करना है ना कुछ भी नहीं है, घर पे जाके अपनी बीवी के जूते ही खाने या बेलन खाएंगे। अब जो औरतें वो क्या करेंगी, वो घर पे जाके अपने वो मारेंगी उनको, वो बड़ा मजाक उड़ाते यार। ये 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 चलो 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 भाई, ये बसों का हाल है जो कि ठीक है। यार 60-70 तो ना यूं ही पहुंच जाते, पता भी नहीं चलता।